नवी पोगी नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का अफ्तिताह इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ एतजाज नियाजी ने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट का हिस्सा सिर्फ 4% है। सर्जिकल कटलरी और पंखों की मार्केटिंग से बरामदात में बेहतरी लाई जा सकती है। अगर हम ये सर्टिफिकेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ खाली सियालकोट का सेक्टर जो है, जो इस वक्त 250 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है सालाना, वो क्या कहते हैं, अगर उसको सिर्फ 4 गुना भी कर दें तो ये 2 बिलियन पर सिर्फ क्या कहते हैं, 1 बिलियन पे सियालकोट बन जाए। रशीद बशीर मजारी ने कहा कि बिजली की पैदावार में गैस पर इन्हिसार किया जाता है। ईरान और तुर्कमानिस्तान से कुदरती गैस की दरामद के मनसूबे पर काम जारी है ताकि सस्ती बिजली पैदा की जा सके। रिलेशन बढ़ा रहे हैं, एक दूसरा इंटरनेशनल जो है मालिक से, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान से है, ईरान से है गैस पाइपलाइन, उसका कर रहे हैं। एक एलएनजी का भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस इधर आए पाकिस्तान, और एलपीजी को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ये 4 मतलब मनसूबे हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। होगी नुमाइश में बिजली के बहरान के खात्मे को फोकस किया गया है। नुमाइश में मुकामी और बैन अलाकौमी ऑयल गैस और तवानाई कंपनी से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें 25 से ज्यादा ममालिक शरीक हैं।